तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एनडीयू में। आइए आज देखते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज की बातें करते हैं थोड़ी सी। देख, चक्रवर्ती ब्याज की पहले दो क्लासें हो चुकी हैं जिनमें एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स बच्चों से मिला। आज हम सीखेंगे किस्त के कुछ सवाल। एक बार बस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरी देख लेना, उसके बाद अगर 4 से 5 सेकंड, सिर्फ 4 से 5 सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में अगर किस्त के सवाल ना हो, 4 से 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल 4 से 5, सही सुन रहे हैं आप, सही देख रहे हैं लिखा हुआ, 4 से 5 सेकंड में अगर किस्त वाला सवाल ना हो, इतनी गारंटी अगर ना हो तो, पर एक बार वीडियो देखना समझना। आइए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर और क्या नहीं है, और अच्छा लगे तो फिर लाइक और कमेंट्स जरूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। आइए आज हम समझते हैं किस्त वाले सवालों को चक्रवर्ती ब्याज में, जो कि काफी ज्यादा परेशानी हमारे लिए उठाए रहते हैं। बस एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, 1 मिनट की, वो भी 1 से 2 मिनट की। तो हमारे सामने यह पहला सवाल है, एक बार इसे बस पूरा देखना है। पहला सवाल है इसलिए एक बार पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें बस एक बार मेरे कहने से, उसके बाद दूध पीता बालक भी इन सवालों को करने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। 16,400 रुपये के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से दो समान वार्षिक किस्तों में देना है। कितने किस्तों में? दो किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने किसी से पैसा लिया, उसके बाद वो आप पैसा आपको चुकाना है, ठीक है। कितने में चुकाना है? किस्तों में। तो सीधी सी बात है, जब किस्तों में पैसा चुकाएंगे तो कुछ ब्याज होगा जो जुड़ जाएगा, तो जो किस्त का पैसा होगा जोड़कर वो आपकी मूल राशि से ज्यादा होगा, मतलब जितनी भी किस्त होंगी उन्हें आप जोड़ेंगे तो उसके बाद वो किससे ज्यादा निकलेगा, आपके प्रिंसिपल से ज्यादा निकलेगा। एक बार इसका बेसिक मेथड देखते हैं, इसलिए बस बेसिक मेथड देखकर या डरकर वीडियो को स्किप मत करना। इसके बाद आपको जस्ट बाद एक शानदार मेथड जो सिखाया जाएगा, जिसके बाद 4 से 5 सेकंड में आप इन्हें कर पाएंगे। आइए देखते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि माना किस्त है, उस किस्त को हमने एक्स रुपये मान लिया, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो सिखाया जाता है, एक्स अपॉन 1 + R/100। देखिए, जितने साल की किस्तों की बात हो रही है उतनी बार ये लिखना है, 1 + X/100। अब 2 साल की किस्तों की बात हो रही है, कितनी किस्तों में चुकाना है? दो में। तो यहाँ क्या लगा देंगे? स्क्वायर बराबर पी, पी फॉर प्रिंसिपल। आइए सोल्व करते हैं। एक्स तो हमने किस्त माना है, 1 + R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, तो 5/100 लिख देंगे। प्लस एक्स ऐसे रहेगा क्योंकि किस्त के रूप में माना है, 1 + 5/100, पर यहाँ पर क्या है साथ ही साथ स्क्वायर भी है। पी की वैल्यू कितनी है? 16,400। 5 से ऐसे काटेंगे, 5 एकन 5 और 20, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 और 2 0, 20 एकन 20 और 1 21। ये चीजें आपको देखिए आनी चाहिए। अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो मैं इतना आपसे उम्मीद लगा सकता हूँ कि ये चीजें आपको आती होंगी। तो 20 एकन 20 और 1 21, 21/20 प्लस एक्स अपॉन 20 एकन 20 और 1 21, 21/20, पर यहाँ पर साथ में क्या है? स्क्वायर भी है, याद रखेंगे। तो 16,400। अब ये 20 कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ, ये आपको पता होना चाहिए। तो 20 की गुणा किस हो जाएगी? एक्स से। कितना बना? 20x/21 प्लस है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो एक बार स्क्वायर कर लो। 21 का स्क्वायर होता है 441, याद होना चाहिए। 20 का स्क्वायर होता है 400, और बराबर चल रहा है आपका 16,400। आइए इसके बाद 20x ऐसे ही, 21 ऐसे ही, अब ये 400 ऊपर चला जाएगा, गुणा में चला जाता है जो सबसे नीचे की संख्या होती है। तो 400x/441 बराबर 16,400। आइए आगे समझते हैं। इन दोनों में से, 21 और 441 में से, प्यारे बच्चों जब हम एलसीएम लेंगे, देखिए एक बार सवाल को देख लेना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एक बार वीडियो को देख लेना, जिसके बाद आपको एहसास होगा हाँ कुछ सीखा है आज। तो 20, 21 और 441 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा? 441। होता है क्या एलसीएम में, 21 से इसे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 21 से 441 को कर काटा जाए तो 21 बार ही जाएगा। उस 21 की गुणा 20 से करेंगे तो 420x प्लस ये वाला, 441 से 441 को काटेंगे तो एक बार जाएगा, तो एक की गुणा 400 से करेंगे तो 400 ही आ जाएगा, बराबर 16,400 हमारे पास चल ही रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 820x/441 बराबर कुछ ये। आइए 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं। अब 82 से इसे काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा? एक बार, 82 दूनी 164, बचा 0 2, कितना बचा? एक्स बराबर 441 की गुणा 20 से हो जाएगी, तो 441 गुणा 20, 441 और 20 की गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा? 441 0 2 0 2 2 8, कितना आंसर आया?
8,820 रुपये। अब यहाँ से देखिए मेन बात शुरू होगी, कितना आंसर आया 8,820। इसका मतलब जो आपकी प्रति एक किस्त है, एक किस्त कितने रुपए की बनेगी, 8,820 रुपये की एक किस्त बनेगी। तो ये वो तरीका था जो कि हमें सिखाया जाता है, ठीक है। अब हम उस तरीके की बात कर लेते हैं, बेसिक बताना जरूरी होता ताकि बच्चों को पता चले कि आखिर में सवाल हुआ कैसे करते थे। अब इसी सवाल को देखते हैं एक बार फिर से। अब देखें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सवाल आपकी फिंगर टिप पर होगा बहुत ही आसानी के साथ। एक बार इस सवाल को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अन्य सवालों की हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। एक अगला सवाल है आपके आगे, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपये का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में अदा करना, कितनी किस्तों में, दो में, प्रत्येक किस्त कितने की होगी। तो जो तरीका था वो हमने सीख लिया। अब आपको करना क्या है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, ब्रह्मास्त्र होगा। पहली वीडियो में भी बताया है मैंने ये बात, जिसमें एक ही नियम से हमने सारे सवाल करें, अभी भी उसी नियम से होंगे। तो हमारे पास 20% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे बच्चों, 20%। 20% को क्या लिखा जा सकता है, 20/100 लिख सकते हैं। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना बना, 1/5। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो ये बात पक्का अभी समझ में आ रही होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। कितना बनेगा, 20/100 को करेंगे तो 1/5। तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि 1/5 आया तो नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है और ऊपर वाली क्या होती है, प्रतिशत और मूल संख्या, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि 5 और 1 क्या करा था हमने, 6/5। याद है सबको कि 5 से 5 रुपये कोई धन था, उस पर 1 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो गया, 6। समझेंगे, 4 से 5 सेकंड लगने वाले, एक बार समझ लेंगे। तो अब क्या हुआ, ये जो 6 रुपये आया है आपका, ये 6 आया, इनसे इन ऑप्शनों को चेक कर लें एक बार, जो ऑप्शन कट जाएगा वही आंसर होगा। सिर्फ याद रखें, जो कट जाएगा वही आंसर होगा। तो 6 से अगर मैं काटूं तो ये नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटेगा, 6×6=36 ये कट गया, पर सर ये क्या हुआ, 6×5=30 ये भी तो कट गया। ऐसी कंडीशन एग्जाम में आ सकती है, इसीलिए ऑप्शनों को लिया गया है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो आपके संख्या जिससे आप काट रहे हैं उसका स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर 36, अब ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर क्या बचा, 360। एक और सवाल देखते हैं, अभी आपको क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखेंगे क्वेश्चन है, 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदगाई 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की राशि अदायगी वार्षिक 10% हो, कितनी हो, 10 का मतलब क्या होता है, 1/10, 10 और 1 11, 11 से कौन सी संख्या कट रही है, सिर्फ 1, ये आंसर है। अब आप मुझे बताइए, क्या लग रहे हैं 4 सेकंड, क्या लग रहे हैं 3 सेकंड आपको, क्या इस काम में भी आप 10-12 सेकंड लगाएंगे, सिर्फ चुटकियों का काम है, चुटकी बजाते ही आंसर होगा। अभी पिछले वाले सवाल में मैंने आपको दिखाया कि अगर एक बार में आंसर नहीं आ रहा तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर से जो कट रहा होगा फिर वही होगा, स्क्वायर से सिर्फ एक ही संख्या कट रही होगी। तो बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एक और सवाल देखते हैं। देखिए ऐसा भी बच्चे सोच सकते हैं कई बार कि सर ये सवाल आपके अपने बनाए हुए हैं, आपने बना कर रख दिए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए बिना टाइप किए हुए सवाल भी लाया हूं, जो कि आपकी HD अदब की बुक से हैं। समझेंगे, ये एग्जाम में आए हुए हैं, SSC टीयर 1 2013, SSC CAPF SI में आया हुआ है 2013 में। मैं जानबूझ के सवाल मतलब पिक्चर लाया हूँ इसकी, टाइप नहीं किए हैं ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर आपके बनाए हुए सवाल हो सकते हैं। तो इसलिए देखेंगे एक बार इसे भी। क्या है, एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। कितना परसेंट की बात हो रही है, 10% का मतलब 1/10, 10 और 1 11। बताओ 11 से कौन सा नंबर कट रहा है, सिर्फ 1। देखेंगे ये आपका आया हुआ, ये मैंने टाइप इसलिए नहीं किया जानबूझ के ताकि आप लोग ये चीज देख सकें और समझ सकें। रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठाइए, सवाल कीजिए, हो सकता है कुछ बच्चों ने इतने नीचे वाला सवाल कर लिया हो। क्या करना है, 11,000 रुपये की धनराशि कर लिया गया, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 20%। देखोगे बहुत आसान तरीके से, 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, 0 से 0, 1 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, 5 और 1 6। अब देखना है कि 6 से कौन सी संख्या कट रही है, क्या ये 6 से कटेगा, क्या ये एक बार चेक करें और अपना आंसर बताएं, तुरंत आंसर आएगा और हर बार आएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार आए। बताइए 6 से कौन सी संख्या कट रही है इनमें से, सिर्फ 1।
ऑप्शन नंबर डी। क्या लग रहे हैं 3-4 सेकंड? बिल्कुल आसानी से, इन सवालों से बच्चे घबराते हैं और बिल्कुल आसानी से सवाल होंगे, गारंटी है। बहुत ही हंसते खेलते सवाल कर लेंगे आप लोग, पता भी नहीं चलेगा कब सवाल हो गए। आइए और समझते हैं। अभी एक है नेक्स्ट सवाल आपके सामने, में फिर से ऐसा सवाल लाया हूं जो मैंने टाइप नहीं किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एग्जाम में जो आते हैं सवाल वो हो जाएंगे इस ट्रिक से, वरना ये टाइप होकर आपके सामने प्रोजेक्टर से आ सकते थे। आइए देखते हैं। एक भवन निर्माता ने 2550, शायद क्लियर दिख रहा हो, 2550 रुपये उधार लिए तो 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल में दो बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने की होगी? कितने परसेंट की बात हो रही है? 4% का मतलब 4/100, इसका मतलब 1/25, 1/25 का मतलब 26। अब बस आपको चेक करना है कि 26 से कौन सी संख्या कटेगी। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ तो सर 4 सेकंड से ज़्यादा का समय लग जाएगा। देखो नहीं लग रहा, ये क्या 26 है, 6 है एंड में, मतलब एक सम संख्या है, सम संख्या से वही संख्या कटेगी जिसके एंड में सम संख्या हो। इसके एंड में सम संख्या नहीं है, इसके एंड में नहीं है, इसके एंड में नहीं। आंसर क्या हुआ? बहुत ही आसान है, वार्षिक सवाल कर रहे हैं, किस्त वाले सवाल कर रहे हैं। सवाल समझ में आए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना कि कैसी लग रही है क्लास। आई होप अच्छी लग रही होगी क्लास, बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे के सवाल और समझते हैं। देखिए लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है कमेंट्स देखकर आप लोगों के, ठीक है, इसीलिए मैं ये टाइप नहीं कराया हूँ। देखते हैं अगला सवाल आपके सामने प्यारे बच्चों, देखेंगे इसे 3 वर्ष बाद। देखिए अब जो सवाल है कैसा है 3 वर्ष का, अब तक के हमने जो सवाल समझे थे वो कौन से सवाल थे? 2 वर्ष वाले, उसमें सभी में 2 वर्ष का था। अब सर 3 वर्ष का सवाल आया है तो क्या 3 वर्ष में कुछ परिवर्तन होगा? आइए एक बार देख लेते हैं क्या परिवर्तन है और है भी या नहीं। तो 3 वर्ष बाद 1192 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? तो 12% का मतलब क्या होता है? 12/100, और इसे कट कर लेंगे, 4 3 12 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25, 25 और 3 28, कोई भी चेंज नहीं है। देखेंगे कोई भी परिवर्तन आपको करने नहीं है, 3 साल का पूछ ले, 4 साल का पूछ ले, 2 साल का पूछ ले, तो 28। अब देखते हैं 28 में से इसमें कौन सी संख्या कटेगी। अब इतना लंबा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, यहां से 8 को पिक करेंगे। अब देखें 8 से कौन सी संख्या, क्या 8 के पहाड़े के एंड में 5 आता है? बिल्कुल नहीं आता। क्या 8 के पहाड़े के एंड में 5 आता है? बिल्कुल नहीं। 5 आता है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हुआ? 364 रुपये। देखिए इस प्रकार से हम बड़े आसानी से इसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सुगमता से ये सवाल निकल पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और 3 वर्ष वाला देखते हैं। इतना करने के बाद तो वीडियो पसंद भी आना चाहिए और सवाल भी आपसे हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। आइए लिखा है 3810 रुपये का ऋण 16 सहित 2/3% वार्षिक किस्त में वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया, यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। बिल्कुल वैसा ही है, कितना है? 16.5%। देखिए 16.5% का मतलब क्या होता है ये याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। 16 3 48 और 2 50, 50/3% का मतलब गुणा 100, 50 51 50, 50 2 100, 1/6, तो कितना बन जाएगा? 6 और 1 7, कितना बना प्यारे बच्चों? ये बना 7। जब ये 7 बन गया आपका, तो अब देख लो 7 से कौन सी संख्या इसमें से डिवाइड हो रही है। क्या 7 से हम 100 को काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं काट सकते। 7 से इसे काट सकते हैं? 7 5 35, 35 के बाद कितना बचा? 3 30, बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 5 35, 5 बचा कितना? 3 34 34, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज, इसमें से कोई सभी उत्तर नहीं है। तो देखिए अगर उत्तर होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नन ऑफ दीज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट विधि है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही सवालों में लागू होगी, प्रत्येक सवाल इससे बहुत ही आसानी से होगा आपका, ठीक है। इससे आगे के कुछ सवाल हैं जो हम देखेंगे अभी, जिसके अंदर हमने अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि किस्त बता रहे हैं। अब ऐसा सवाल भी होगा जहां पर हम ये बताएंगे कि किस्त तो पता होगी कि किस्त कितनी है, हमें क्या बताना होगा कि भाई वो पैसा कितना है जो पैसा हमने उधार के रूप में दिया था। आइए देखते हैं। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया तथा 968 रुपये वार्षिक किस्त
वार्षिक की दो किस्तों में चुकाया गया, तो धन बताइए कितना उधार दिया गया था। आपने जो कुछ धन उधार लिया है उस उधार धन को चुका दिया, कितनी किस्तों में, 968 रुपए की एक किस्त। किस्त कितनी दी है आपने, दो। क्लियर है, किस्त कितनी दी है, दो। तो ये तो पता चल जाएगा कि कितना धन चुकाया पर कितना धन दिया था उधार या लिया था उधार, बात उसकी हो रही है। तो क्या करेंगे अभी भी, 10%, 10% का मतलब है 1/10। हम क्या कर रहे हैं तब तक, 10 और 1 11, याद है ऐसा। अब इसमें क्या है, जब आपको ये बताना है, प्रिंसिपल बताना है, धन बताना है कि धन कितना था, तो इसे हम जब क्या करा, 10 और 1 11, इस सर्किल को कितना था 10%, इसे लिखा 1/10, 10 और 1 11/10 बना। इसे एक बार और करना है, कितनी बार, एक बार और, 10 और 11 कितने होंगे, 21। कितने होंगे, 21। देखेंगे कितने होंगे ये, 21। इस 21 से देखेंगे कौन सी संख्या यहाँ पर हमसे है जो विभाजित हो रही है, जो संख्या विभाजित हो जाएगी वही आपका उत्तर होगा, वही धनराशि उधार के रूप में दी गई होगी। आइए देख लेते हैं किससे कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। देखेंगे पहली ही संख्या जो है 21 से डिवाइड हो रही है, बाकी अन्य संख्या को आप एक बार चेक करके देखेंगे कोई उसी संख्या इसमें 21 से डिवाइड नहीं हो रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उधार ली गई कोई राशि 5% वार्षिक, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की दो बराबर किस्तों में लौटा दी गई है। उधार ली गई राशि क्या थी, इस बार सवाल थोड़ा उल्टा, किस्त दे दी है आपको, आपको क्या दे दी गई है, किस्त दे दी गई है, और क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है वो राशि कितनी थी। देखिए समझेंगे, ऐसे भी तो सवाल आ जाएगा ना जिसमें आपको किस्त पहले दे दी जाए, किस्त पूछी नहीं जा रही हमसे, तो पूछा जा रहा है कि भैया वो राशि कितनी थी जो कि दी गई थी। आइए समझते हैं, किस्त दे दी आपको, समझेंगे, पहले किस्त दे दी, क्या पूछ लिया आपसे, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भैया बताओ वो पैसा कितना था जो कि दिया गया था उधार। तो सवाल अभी भी वैसे ही होगा जैसे होना था, बस एक स्टेप बढ़ेगा, पर एक स्टेप बढ़ाने में मुश्किल से एक सेकंड बढ़ता है, ठीक है। आइए देखते हैं, 5% हो रहा है, 5% का मतलब 5/100, मतलब कि 5 × 5 20, 5 से काटा, 20 और 1 21, 21/20 बना। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वह धनराशि, तो हम क्या करते हैं इस 20 और 21 को एक बार जोड़ा, ये बना, इसे एक बार और जोड़ना है, मतलब ये टाइम कितनी बार करना है, 2 times करना है। अगर सवाल में 3 साल की बात हो रही है तो ये काम 3 बार करना होगा आपको, सही है ना। तो 20 और 41 कितना बनेगा, 41। अब आप चेक कर लो 41 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 41 से जौन सा ऑप्शन कट रहा होगा उतनी ही धनराशि आपने दी होगी। आइए चेक कर लेते हैं, 41 से काट के चेक कर लेते हैं एक बार 41 से कौन सा कटेगा, क्योंकि देखिए सारी संख्या 1600 के आसपास है, तो 1600 तो किससे कटता है, 40 से होता है, 40 से कटेगा। और इसकी बात करें तो आइए एक बार कट करके देख लेते हैं, 1620/41 4×16 5, नहीं ये भी नहीं कट रहा, एक बार ऐसा काट लेते हैं 1640 को, 41 4×4 2×4, ये 40 बार कट रहा है पूरा पूरा, देखेंगे 40×41 मतलब कि 441 4×4 4 4 4 4 4×16 1640, जी हाँ। तो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 1640। तो देखिए ये काम भी आपके लिए कोई भारी नहीं है, फिंगर टिप पे काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम किस्त भी निकाल सकते हैं और हम ये भी निकालना सीख सकते हैं कि किस्त तो सीख ही सकते हैं, साथ में ये भी सीखा जा सकता है कि भैया वो पैसा कितना था जो कि दिया गया था, बस एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है। देखिए जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आई होप आप लोगों को इसमें मजा आया हो, अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे, जिसमें गुना वाले सवाल होते हैं ना कि कोई पैसा इतने समय के लिए दिया तो इतने टाइम में इतना गुना हो गया, इस प्रकार की चीज़ों को हम उसके अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, आपका दिन शुभ रहे।